हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त बिंदास झक्कास हो, और अगर नहीं हो तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, धीरे धीरे हो जाओगे। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टाइम जरूर आता है जब उसकी हेल्प कोई नहीं करता है। उस टाइम पर आपकी हेल्प सिर्फ आपकी सेविंग से ही करती हैं, क्योंकि लाइफ में 99.9% प्रॉब्लम सिर्फ पैसे से ही जुड़ी हुई होती हैं, तो इसलिए हमें पैसे सेव करने की जरूरत होती है। आज की वीडियो में दो टिप्स को छोड़कर बाकी की सारी सेविंग टिप्स बिल्कुल यूनिक है। लिखवा लो मुझसे, ये टिप्स आपने कभी नहीं सुनी होंगी। वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करना। अगर पसंद ना आए तो वीडियो को अभी छोड़ देना और चैनल को अभी अनसब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन है, डोंट बिलीव द प्राइस टैग। अब हम जब भी कोई चीज बाय करने जाते हैं तो प्राइस टैग देखकर ही उस चीज को बाय करते हैं, मगर प्रॉब्लम वहां आ जाती है जब हमें यह डिसाइड करना होता है कि प्राइस सही है या नहीं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो प्राइस टैग आप देखते हैं किसी भी चीज पर, तो आपको बता दूं ये टैक्स अलग से अटैच किए जाते हैं। मान लीजिए कोई चीज 900 रुपए की है, उस पर 900 रुपए का टैग लगा है, तो उसका सही प्राइस क्या होना चाहिए? उसका सही प्राइस आपको बता दूं 400 से ज्यादा नहीं होगा। वो डबल रेट हमें इसलिए बताते हैं ताकि जब कस्टमर ये कहे कि कुछ प्राइस कम कर लीजिए, तो उससे कह सके कि सर आपके लिए 850 रुपए का लगा जाएगा, तो आप सीधे सीधे कह दो 600 रुपए पड़ते हैं तो बोलो, वरना नेक्स्ट ऑप देखते हैं। कभी भी प्राइस टैग के चक्कर में कंफ्यूज मत होना, ये सब बस दिखावा होता है। नंबर टू है, क्रिएट योर ओन क्लीनिंग रैक्स। जिस इंसान के पास क्रिएटिविटी होती है वो इंसान ही हमेशा हैप्पी रह सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, हम अपने घर में क्लीन करने के लिए बहुत तरह की चीज़ें लेते हैं, वाइपर, हैंडमेड, झाड़ू और भी बहुत तरह के आइटम्स होते हैं जिन्हें हम अपने घर की डस्ट क्लीन करने के लिए बाय करते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हमें उन सब आइटम्स को अपने घर पर ही बनाना चाहिए ताकि हम अपने पैसों को सेव कर सकें। उसके लिए आप अपने घर के पुराने कपड़ों का यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये सब चीजें बनानी नहीं आती हैं तो आप YouTube का सहारा ले सकते हो। मैंने खुद अपने घर को क्लीन करने के लिए वाइपर एंड प्लास्टिक बोटल्स की झाड़ू बना रखी हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने बहुत टाइम से अपने घर के लिए इस तरह के आइटम्स नहीं बाय किए हैं। सोचिए इस तरह से आप कितने सारे पैसे बचा सकते हो। तो आप भी अपने खाली टाइम में कुछ ना कुछ जरूर क्रिएटिव करते रहिए और अपने पैसों को सेव करिए। नंबर थ्री है, नो सेकेंड थॉट्स। कई बार ऐसा होता है, हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम अक्सर दो सिचुएशन में फंस जाते हैं। एक बार मन कहता है उस चीज़ को बाय कर लें, दूसरी बार मन कहता है नहीं यार, इस चीज़ को बाय नहीं करनी चाहिए वरना पैसे वेस्ट हो जाएंगे। आप ये सोचते हो कि वो चीज़ आपको बाय करनी चाहिए या नहीं, ये आपको क्लियर नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है आपको चुपचाप वहाँ से चले जाना है और उस चीज़ को बाय नहीं करना है। आप जब कोई चीज़ लेने जा रहे हो तो जब तक आप पूरी तरह से श्योर ना हो जाओ कि मुझे वो चीज़ लेनी है, तब तक आप उस चीज़ को ना ले। ऐसा जनरली सभी के साथ होता है, इवन मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। जब भी मैं कुछ लेने जाता हूँ तो मेरे मन में दो थॉट्स हमेशा ही रहते हैं। एक मन कहता है ये चीज़ बाय कर लूँ, दूसरा मन कहता है नहीं यार, इस चीज़ को बाय नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यही करना है कि आप उस चीज़ को बाय ना करें, आप तुरंत वहाँ से निकल जाएं, वरना आप बेफिजूल में उस चीज़ बाय कर लेंगे। नंबर फोर है, लकी ड्रॉ वाली कहानी। वैसे तो इस टाइप की चीजें बहुत कम हो गई हैं, पर फिर भी सोचा आप लोगों के साथ एक बार ये टिप जरूर शेयर करूं। होता यह है, आपने कभी ना कभी ऐसे बहुत सारे ऑफर्स देखे होंगे जिनमें आपको ये बोला जाता है कि 150 रुपए की पर्ची स्क्रैच करिए, आपको गोल्ड चैन, बाइक, मोबाइल और भी बहुत तरह के आइटम्स बताते हैं कि निकल जाएंगे, आपको ये सब चीजें मिलेंगी। पर जब आप उस पर्ची को स्क्रैच करते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है, या तो आपको कोई छोटा मोटा कपड़ा मिल जाता है या फिर आपको कोई घड़ी मिल जाती है, और नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा किया तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है, आपके पैसे पानी में चले जाते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल था। इस तरह से लोगों को ओनली फूल बनाया जाता है और कुछ नहीं होता है। आपको कभी भी इनाम वाली बातों पर यकीन नहीं करना है और ना ही अपने पैसों को वेस्ट करना। और एक बात, मेले में जो खेल होते हैं, छल्ला फेंकने वाला या फिर फुटबॉल से ग्लास गिराने वाला, तो ये सब सिर्फ आपको लूटने के लिए होते हैं। आपको इससे बचना होगा और अपने पैसों को बचाना होगा।
नंबर फाइव है यूज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये पॉइंट अगर आप में से कोई यूट्यूबर है या यूट्यूबर बनना चाहता है तो ये टिप उसके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है और भी लोगों के लिए हो सकती है जो लोग सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं या किसी ऐप का यूज करते हैं। मैंने एक वीडियो में आपको ये बताया था कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए पैसे नहीं देने हैं। आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको ओपन सोर्स वाले सॉफ्टवेयर या ऐप्स का ही यूज करना है। आजकल आप बहुत सारे अच्छे ऐप फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूंगा आप तब तक पैसे ना दें उस एप्स के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए जब तक आप उसके थ्रू अर्निंग ना करने लगो। जब आप अर्निंग करने लगो तब आप पेड एप्स या सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हो। और यहां पर आपको बता दूं आजकल तो आपको हर सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाता है। अब आप कहेंगे वो कैसे, तो ये आपको ऑलरेडी पता। मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली ये नहीं बता सकता कि ये ऐप्स आपको कैसे मिल सकते हैं, पर हाँ आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। नंबर सिक्स है दूसरों से चीजें ना मंगवाएं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है हमारे पास टाइम नहीं होता है या फिर हम मार्केट जाना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में हम क्या करते हैं हम किसी को पैसे देकर उस चीज को मंगवा लेते हैं। अब ऐसे में आज के टाइम पर मैंने देखा है लोग दूसरों के लिए अच्छी क्वालिटी की चीजें नहीं लाते हैं, उस पैसे में से कुछ पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है मान लीजिए कोई चीज 60 रुपए की है तो वो आपसे कह सकता है कि वो चीज उसने 70 रुपए में बाय की है। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है। इवन जब मैं छोटा था तब मैं भी ऐसा बहुत बार करता था। घर वाले जब भी मुझे पैसे देते थे मैं उनसे बढ़ा चढ़ाकर पैसे बताता था और जो पैसे बचा लेता था उन पैसों से गोलगप्पे खा जाता था। तो रियलिटी मैंने आपको बता दी है, अब आपको क्या करना है वो आपकी मर्जी है। कुछ लोगों को ये पॉइंट बिल्कुल पसंद नहीं आएगा मुझे पता है, पर फिर भी मैंने ये पॉइंट अपनी वीडियो में ऐड किया है ताकि आप लोग इस पॉइंट का यूज कर सकें। नंबर सेवन है लिमिट द इंपल्सिव बायस। एक्साइटमेंट कह लो या फिर किसी चीज को लेने की जल्दबाजी कह लो, दोनों ही चीजें सेविंग की एनिमी है। होता यह है मान लीजिए आपने अपने दोस्त के पास कोई अच्छा सा गैजेट देखा और वो आपको बहुत पसंद आ गया, तो ऐसे में हम क्या करते हैं उस चीज को लेने की एक्साइटमेंट में ये सोचना समझना भूल जाते हैं कि जो चीज हम लेने जा रहे हैं वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, आपको अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना चाहिए ताकि आप अपने पैसों को सेव कर सकें। मैंने देखा है लोग एक्साइटमेंट के चक्कर में पानी जैसे पैसे वेस्ट करते चले जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं समझ में आता है कि जिस चीज पर वो पैसा वेस्ट कर रहे हैं वो चीज उनके किसी काम की नहीं है, वो बस पैसों की वेस्टिंग कर रहे हैं जिससे उन्हें बचना चाहिए। नंबर एट है ज्यादा कैश अपने पास ना रखें। ये तो हर किसी को पता होता है कि अपने पास ज्यादा कैश ना रखें, पर आपको ये नहीं पता होगा कि ज्यादा कैश अपने पास रखने से ओनली लॉस ही होता है। यहाँ पर ज्यादा कैश ना रखने से मतलब ये नहीं है कि आप अपने पास ज्यादा कैश ना रखें, इससे ये मतलब है कि आप अपने घर पर भी ज्यादा कैश ना रखें। देखिए इसका असर सीधा हमारे माइंड से होता है। अगर हमारे पास कैश होता है तो हम चाहकर भी उसे खर्च करने से नहीं बचा सकते। हम सोचते हैं घर पर पैसे रखे हैं तो चलो जो लेना है ले लेते हैं बाद में देखा जाएगा, और फिर हम उन पैसों को खर्च कर देते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए आप पहले से ही रेडी रहें और अपने पास या अपने घर पर ज्यादा कैश ना रखें। हाँ इमरजेंसी के लिए आप कुछ पैसे रख सकते हो, पर उन पैसों को किसी ऐसी जगह रखो जहां से आपको उन पैसों की निकालने में थोड़ी मेहनत करनी पड़े। इस पॉइंट से मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ है। नंबर नाइन है अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स। यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा अलग है, पर फिर भी अपनी वीडियो में इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैं भी ऐसी गलती करता था। जैसे अब गर्मियां आ गई हैं तो हम सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पर टूट पड़ते हैं। तो आप लोगों को पता है कोल्ड ड्रिंक पीने से हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है, ओनली लॉस ही होता है। उसमें बस केमिकल के अलावा कुछ नहीं होता है, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अगर आप कुछ कोल्ड पीना ही चाहते हो तो जूस ले सकते हो, उसमें आइस डालकर आप जूस पी सकते हो, आपकी हेल्थ पर भी उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो पहले मैं लगभग डेली कोल्ड ड्रिंक पीता था, कुछ जंक फूड्स खाता था फिर उसके साथ मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती थी, कहीं घूमने गए तब कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती थी। धीरे धीरे मैंने अपनी इस हैबिट को चेंज किया और कोल्ड ड्रिंक से हटकर जूस पर मैंने अपना ध्यान लगाया। अब कोई फ्री में भी कोल्ड ड्रिंक देता है तो पी लेता हूं, वरना खरीद कर मैं कभी नहीं पीता हूं। ये पॉइंट अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।
नंबर 10 है मंथली स्पेंडिंग रिव्यू। आपने सुना होगा जो लोग गलती करके गलतियां सुधार लेते हैं वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो यही चीज सेविंग पर भी लागू होती है। मंथ में एक बार आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आपने पूरे मंथ में कितना अर्न किया और कितना खर्च किया, इससे बहुत फायदा हो सकता है। अगर आप अपने द्वारा किए गए खर्चों को लिखते हो तो इससे आपको ही पता रहेगा कि आपने कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च किया और किस चीज पर खर्च किया। देखिए मंथ एंड में आप ये कर सकते हो कि आप उन चीजों को अपने लिस्ट से सर्च करिए जिससे आपने तो बाय किया है, पर उसे अगर आप बाय नहीं करते तो भी आपका काम चलता रहता। इससे ये होगा नेक्स्ट टाइम से आप उस तरह की चीजों को लेने से बचोगे और अपने पैसों को सेव करोगे। आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई नीचे कमेंट जरूर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि सेविंग्स के ऊपर वीडियोस आप लोगों को टाइम टाइम से मिलते रहें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।